हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं आज पहाड़ों के बीच में घूमने आया हूँ और यहाँ के पहाड़ काफ़ी सुंदर है, तो मैं आपको आज इन पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूँगा। और आगे तालाब भी है यहाँ पर बना हुआ, वहाँ पर भी लेके जाऊँगा गाइस। और ये पहाड़ के बीच में पत्थर और हरी हरी घास की वजह से काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। अब हम आगे जाएँगे और आगे एक तालाब बना हुआ है, वहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर हरियाली हरियाली है चारों तरफ। और गाइस, यहाँ से इस जगह का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिख रहा है और यहाँ पर एक पाल बनी हुई है जहाँ से पानी आ रहा है और नीचे भी बहुत ही गहराई पे ये जहाँ से पानी बह रहा है और पहाड़ हरे हरे चारों तरफ ये पाल बनी हुई है। और यहाँ पर एक मंदिर है जिनके हम दर्शन करने जा रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है उधर और हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं अभी। यहाँ पर प्रभु श्री बालाजी महाराज है, इनके दर्शन करने के बाद हम नीचे मंदिर में जाएंगे। यहाँ मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत है, चारों तरफ पानी की आवाज़ ही है, इसके अलावा कोई नहीं है, शोर शराबे से काफ़ी दूर है ये। और हम सीढ़ी उत्तर के नीचे की ओर जा रहे हैं, यहाँ से आगे भगवान के और दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। और यहाँ पर ऊपर पाइप से पानी आ रहा है और यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, इससे आगे जा रहा है पानी। यहाँ पर बहुत ही बड़ा वट वृक्ष भी है यहाँ पर। और हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर नंदी महाराज बैठे और शिव जी की प्रतिमा यहाँ पर नीचे है जो काफ़ी अंदर है, आप भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। और गणेश जी और कार्तिक भगवान और सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, आप भी देखिए इस जगह की सुंदरता, सब तरफ से पानी आ रहा है। कई यहाँ पर एक टैंक टाइप बना हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ हैं जो आपको भी दिख रही होगी, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो काफ़ी गौर करने पर दिखेगी ये। और यहाँ पर नीचे बहुत सारी केले भी बो रखी है। और यहाँ से देखिए यहाँ का नज़ारा, चारों तरफ पानी ही पानी और ऐसा खूबसूरत नज़ारा मैंने भी पहली बार देखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।